हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें एंगल होता क्या है, एंगल का डेफिनेशन। तो एंगल क्या होता है? एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे। कोई रे दिया हुआ है, सपोज ये एक रे है, ठीक है। तो इसका जो रोटेशन है अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट, यहाँ से सपोज हम लोग इस रे को इस तरह से मूव करते हैं, इस तरह से रोटेट करते हैं अपवर्ड, तो इस तरह से रोटेट हो गया। तो ये इसका सपोज हम लोग का क्या है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पॉइंट है। तो इस पॉइंट के अबाउट जितना ये रोटेट करेगा, इसके बीच में जो गैप होगा, ये गैप, इसी गैप को हम लोग मेजर करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग का रे वर्ड होता है। तो हम लोग सबसे पहले तो समझते हैं कि आखिर रे होता क्या है। रे को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, किरण भी बोलते हैं। हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, इस तरह से। जब किसी लाइन में हम लोग एरो बना देते हैं तो वो एक है लाइन, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं रेखा, एक है पॉइंट। तो ये तीनों चीज़ें क्या है, आपस में कनेक्टेड हैं। पॉइंट क्या होता है, सपोज हम लोग एक इस तरह से डॉट बना दिए, ये मेरा क्या हो गया, एक पॉइंट हो गया। बहुत सारे पॉइंट को हम लोग मिला दिए, वो यहाँ से इस तरह से पॉइंट को, इस तरह से एक दूसरे के ऊपर पॉइंट, इस तरह से मिला दिए, बहुत सारे पॉइंट को इस तरह से मिला दिए, तो क्या बन जाता है, एक लाइन बन जाता है। लाइन क्या है, कम्बिनेशन ऑफ ए पॉइंट, बहुत सारे बिंदुओं का समूह है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग बिंदुओं का समूह भी बोल सकते हैं। अगर किसी लाइन में हम लोग एरो लगा देते हैं इस तरह से, तो ये मेरा क्या हो जाता है, ये किरण बन, रे बन जाता है। तो कन्फ्यूज नहीं होता है, ये लाइन है मेरा, ये मेरा रे है। तो यहाँ पर हम लोग को रे वर्ड यूज करना है, ना कि लाइन वर्ड। एक से अनंत तक खींची गई रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, किरण बोलते हैं। ये शो कर रहा है कि ये इन्फिनाइट तक जा रहा है, इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, तो ये एक क्या बन जाता है, रे बन जाता है। तो इसे हम लोग रे कहते हैं। कोई ये कोई किरण है, ये इसका वर्टिक्स है ओ, ये ए, ओ ए कोई किरण है, ये इसका मेरा वर्टिक्स है। किरण करते इसको रोटेट करते करते इस पॉइंट, ये पॉइंट फिक्स है, इस पॉइंट को फिक्स रखते हैं, रोटेट करते करते यहाँ पे आ गया था, इस पॉइंट पे, ए डैश पॉइंट पे। तो इसके बीच में जो गैप बना, ये गैप, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं, इसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। इस गैप का जो मेजरमेंट होता है वही मेरा क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टिक्स बोलते हैं, वर्टिक्स बोलते हैं। ये जो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल साइड। ये मेरा साइड जो लास्ट में गया, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनल साइड, साइड। ये मेरा टर्मिनल साइड, जहाँ पे अब हम लोग समझते हैं व्हाट इज पॉजिटिव एंगल एंड व्हाट इज नेगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल, ये मेरा है वर्टिक्स, ये मेरा है इनिशियल साइड, अगर हम लोग का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, इस तरह से रोटेट करते करते यहाँ पे आ गया रे, ए ओ ए, ए डैश, तो ये जो एंगल बना वो मेरा क्या हो गया, पॉजिटिव एंगल, पॉजिटिव एंगल। अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, यहाँ पे रोटेशन मेरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ओके। तो यहाँ पे मेरा पॉजिटिव एंगल हो गया, ये इनिशियल साइड, ये मेरा टर्मिनल साइड। सपोज ये मेरा वर्टिक्स ओ है, ये मेरा ए है। रोटेशन हम लोग का, रे का रोटेशन क्लॉकवाइज है, रोटेट करते करते यहाँ पे आ गया,
ओ ए डैस यहाँ पे आ गया रोटेट करते करते। रोटेशन अगर क्लॉक वाइज है तो ये मेरा एंगल क्या होगा, निगेटिव एंगल होगा। ये मेरा होगा इसमें इनिशियल इनिशियल साइड, ये मेरा हो जाएगा टर्मिनल साइड। ये रोटेशन मेरा क्या हो गया, क्लॉकवाइज रोटेशन। तो ये एंगल जो बनेगा, ये एंगल जो बना वो मेरा क्या हो गया, निगेटिव एंगल। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, जो इम्पोर्टेंट मेजरमेंट है एंगल का वो है दो, एक है मेरा डिग्री मेजरमेंट, एक है मेरा रेडियन मेजरमेंट। डिग्री मेजरमेंट एक है मेरा रेडियन मेजरमेंट। डिग्री को किस तरह से डिनोट करते हैं, एक पॉइंट कोई भी दिया हुआ एंगल उसके पॉइंट के ऊपर इस तरह से। रेडियन को सी से डिनोट करते हैं इस तरह से। तो ये मेरा डिग्री मेजरमेंट हो गया, ये मेरा रेडियन मेजरमेंट हो गया। तो पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज डिग्री, डिग्री मेजरमेंट। जब हम किसी एंगल को एक्सिस पे मेजर करते हैं तो वो जो मेजरमेंट होता है एंगल का वो क्या होता है, डिग्री मेजरमेंट। सपोज ये मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा क्या है, इनिशियल पॉइंट ओ ए, ये इनिशियल रे है, ये मेरा वर्टिक्स है। ये अगर रोटेट करते करते सपोज इसके परपेंडिकुलर आ गया ये, तो ये मेरा क्या हो गया, ओ ए डैश। देन ये जो एंगल बना वो मेरा कितना बना, ये एंगल बनेगा वो डिग्री में मेजर होगा, ये मेरा 90 डिग्री हुआ। ये है मेरा इनिशियल, ये ओ ए, ओ ए अगर रोटेट करते करते यहाँ पे आ गया ए डैश, तो इसके बीच मेरा एंगल क्या बना, ये मेरा हो गया सपोज, ये मेरा सपोज 30 डिग्री में हो गया। ये इनिशियल रे, ये मेरा फाइनल, यहाँ से स्टार्ट किए ये ओ ए, ये ओ ए डैश इस तरह से। तो यहाँ से जो रोटेशन होगा, ये रोटेशन इस तरह से, ये मेरा क्या हो गया 180 डिग्री एंगल। दोनों लाइन क्या है मेरा पैरेलल है, तो ये मेरा क्या हो गया 180 डिग्री का एंगल का रोटेशन इस तरह से हो, इस तरह से आ गया डाउनवर्ड इस तरह से। तो इसका ओ ए डैश, तो इसका जो एंगल मेजरमेंट होगा इस तरह से, यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट करते तो ये मेरा एंगल क्या हो जाएगा 270 डिग्री। अगर इसी लाइन को, यहाँ पे ये लाइन है ओ ए, अगर ये ओ ए और ओ ए डैश कोइंसाइड कर गया, सपोज एक पूरा रोटेशन इस तरह से हुआ, यहाँ ओ ए इक्वल टू ओ ए डैश, देन मेरा ये क्या है, कितना डिग्री का एंगल बनाया 360 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पूरा एक रोटेशन क्या कितने डिग्री का एंगल बनाता है, एक्सिस पे पूरा एक रोटेशन 360 डिग्री का एंगल बनाता है। यहाँ पे सपोज हम लोग ये है ओ ए, ओ ए है इस तरह से, हम लोग अगर यहाँ पे ए डैश, और हम लोग यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करते हैं पूरा एक चक्कर लगा कर इतना आ जाते हैं यहाँ पे, तो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री एक रोटेशन में, प्लस इसके ये 90 डिग्री, ये इतना एंगल होगा 450 डिग्री। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में इस तरह से एंगल बनता है। अब हम लोग देखते हैं क्लॉकवाइज रोटेशन, मेरा है क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर ये मिला इनिशियल पॉइंट है ओ ए, ओ ए अगर कोई इस तरह से है ओ ए डैश यहाँ रोटेट करते करते आ गया, तो ये जो पॉइंट, ये एंगल जो बनेगा ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये मेरा माइनस 90 डिग्री होगा, ना कि प्लस 90 डिग्री, ये मेरा माइनस 90 डिग्री होगा। इस तरह से अगर ये मेरा ओ ए मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये इस तरह से अगर ये यहाँ पे आ गया रोटेट करते करते इस वर्टिक्स के अबाउट, देन ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा 30 डिग्री, माइनस 30 डिग्री, ये एंगल मेरा माइनस 30 डिग्री। अगर रोटेशन इसके अबाउट होगा इस तरह से, देन ये मेरा माइनस 270 डिग्री, ये माइनस 270 डिग्री होगा। अगर ये मेरा ओ ए है, ये पॉइंट ओ, ओ ए डैश,
तो अगर हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन इस तरह से एंगल लेते हैं, ये एंगल, देन ये मेरा माइनस 180 डिग्री होगा, ना कि प्लस। अगर ऊपर से लेते हैं तो प्लस 180 डिग्री, नीचे से लेते हैं तो माइनस 180 डिग्री। OA और OA डैश रोटेट करते करते हम लोग का इस तरह हो गया। तो अगर रोटेशन इस तरह से हम लोग लेते हैं, देन ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा, माइनस 360 डिग्री। ये मेरा माइनस 360 डिग्री होगा A। अगर ये इस तरह से यहाँ पे आया A डैश, ये इस रोटेट करते करते इसका टर्मिनल साइड यहाँ पे आया, अगर हम लोग यहाँ से इस तरह से एक पूरा इस तरह से आता है, तो ये एंगल का मेजर, ये एंगल कितना टोटल हो जाएगा, माइनस 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री, दैट मीन्स माइनस 450 डिग्री बनाएगा ये एंगल। तो एंगल को इस तरह से हम लोग, आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।